कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी का मुद्दा उठाया है और आरोप लगाया कि अडानी ने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। यह भी कहा कि अडानी की वजह से ही बिजली महंगी मिलती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अडानी जी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और हिंदुस्तान में रेट डबल हो जाता है, कोयले की कीमत को गलत दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए गांधी ने कहा कि जैसे ही बिजली का स्विच ऑन करते हैं अडानी की जेब में पैसा जाने लगता है। अडानी की रक्षा भारत के पीएम कर रहे हैं, दुनिया के बाकी देशों में जांच हो रही है लेकिन भारत ने अडानी को ब्लैंक चेक दिया हुआ है, जो मर्जी चाहे करें। लोग 32,000 करोड़ का आंकड़ा याद रखें। पीएम अडानी की जांच क्यों नहीं करवाते? शरद पवार के अडानी से नज़दीकी को लेकर सवाल पर गांधी ने कहा कि शरद पवार देश के पीएम नहीं हैं, वो अडानी की रक्षा नहीं कर रहे, इसलिए मैं पवार से अडानी के लिए के सवाल नहीं पूछता। मीडिया पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि कोयले का दाम गलत दिखा, बिजली की कीमत बढ़ाकर अडानी ने लोगों की जेब से 12,000 करोड़ रुपये वसूले। बिजली की बढ़ती कीमत के पीछे अडानी है। हैरानी है कि मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाती। ऐसी खबर से सरकार गिर जाती है। हम कर्नाटक और राजस्थान में लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं जबकि अडानी कीमत बढ़ा रहे हैं। पीएम हमारे क्यों चुप हैं?